शोएब अख्तर अपनी इंग्लिश ट्यूशन को लेकर हाल फिलहाल में चर्चाओं में है। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को उनकी कमजोर इंग्लिश के लिए खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद से ही वो कई क्रिकेटर्स के निशाने पर भी आ चुके हैं। पहले सलमान भट्ट बाबर के बचाव में उतरे थे और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ रमीज राजा ने भी उन्हें उनकी बातों के लिए लताड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर। हाल ही में पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने नेशनल टीम के कैप्टन बाबर आजम की टेलीविजन चैनल पर जमकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कैप्टन सही तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अब इसी को लेकर पीसीबी के फॉर्मर चीफ रमीज राजा ने शोएब अख्तर को जमकर फटकार लगाई है। राजा ने अख्तर को डिल्यूजनल स्टार का टैग देते हुए कहा कि एक ब्रांड बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। रमीज राजा ने ये बात पाकिस्तान के लोकल टीवी चैनल BOL नेटवर्क में कही। उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर बस अपने भ्रम में रहते हैं। उन्हें कामरान अकमल से भी परेशानी थी। वो चाहते हैं कि सभी लोग ब्रांड बन जाए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना पहले बेहद जरूरी है। पहले आप एक अच्छे इंसान बने और उसके बाद ब्रांड। उन्होंने आगे कहा, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स देकर हमारे क्रिकेट को डिग्रेड करते हैं। आप ऐसा कभी भी हमारे पड़ोसी देश में नहीं देखेंगे। कभी भी सुनील गावस्कर राहुल द्रविड़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, जहां फॉर्मर प्लेयर्स दूसरों को उनकी जॉब प्रोफेशनली नहीं करने देते। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना भी जाता है। उन्होंने अपनी टीम की ओर से अभी तक कमाल का परफॉर्म भी किया है और उनको कई मुकाबलों में जीत भी दिलाई है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं। इस समय बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जालिमा की ओर से खेल भी रहे हैं। भले ही टीम का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन ने अभी तक कमाल की बल्लेबाजी की है। ऐसे में अपनी टीम के कैप्टन के बारे में बुरा भला सुनकर रमीज राजा खुद को रोक नहीं पाए। इतना ही नहीं, रमीज ने अख्तर को उनके पीसीबी के चीफ बनने के सपने पर भी सुनाई। जब रमीज राजा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शोएब को पीसीबी के चीफ बनने से पहले ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने की जरूरत है। आपको बता दें कि शोएब अख्तर ने क्रिकेट के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और वो खुद भी इंग्लिश के चलते कई बार ट्रॉल भी हो चुके हैं, लेकिन तब भी उन्होंने बाबर आजम को उनकी इंग्लिश के लिए तो सुनाई ही, साथ ही उन्होंने कामरान अकमल की इंग्लिश को लेकर भी उनका मजाक उड़ाया था। दरअसल कामरान ने एक शो में स्क्रीन को सक्रीन कह दिया था। इसके बाद शोएब उनकी इंग्लिश सुधारने लगे थे और उससे पहले ही उन्होंने बाबर को निशाने पर भी लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कैप्टन को ब्रांड बनना है तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। शोएब अख्तर, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, आज भी दुनिया के फाइनेस्ट बॉलर्स हैं। उन्होंने अपने देश के लिए 46 टेस्ट, 163 ODI और 15 T20I खेले हैं। अख्तर ने 2011 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद से ही वो डिजिटल मीडिया का अपने ओपिनियंस देने के लिए पूरी तरह से यूज करते हैं।